भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ज्ञान सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया है, यहाँ पर चापलूसी करने वालों को टिकट मिलता है और उन्होंने चापलूसी नहीं की इसलिए पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। ज्ञान सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा में ईमानदार नेताओं का सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा, जब मैंने अंतिम बार चुनाव लड़ने की इच्छा जताई तो पार्टी ने टिकट ही काट दिया। ज्ञान सिंह ने कहा कि भाजपा आदिवासी नेताओं के साथ यूज एंड थ्रो की नीति अपनाती है और इस बार जनता भाजपा को वोट नहीं देगी। कुल मिलाकर ज्ञान सिंह के पुत्र शिव नारायण सिंह बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं। ज्ञान सिंह का यह भी कहना है कि उनके पास चापलूसी धन बल नहीं होने से पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा, मेरे पास केवल गरीबों का जनबल है लेकिन मन की बात कहने वाले नेता मेरे मन की बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने हिमाद्री को कह दिया है कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। गौरतलब है कि भाजपा ने शहडोल से कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हिमाद्री सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।